हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मोहित और भाइयों यार, आज मैं फिर आप सबके बीच में एक न्यू ब्लॉग और न्यू लोकेशन के साथ पहुंच चुका हूं। तो आज मैं आपको जहां पर लेके जाने वाला हूं, एक्चुअली सडनली प्रोग्राम बना हमारा यहां आने का और मैं पहले भी यहां पे विज़िट कर चुका हूं, तो मेरे को काफ़ी ही अच्छी लोकेशन लगी थी। बट मानसून टाइम तो यानी कि यहां हर कुछ ही फीलिंग होती है, यानी बरसात के टाइम जब काफ़ी ही ज़्यादा ग्रीनरी होती है, बट अभी भी यहां पे काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग व्यू है। तो आज आपको मैं लेके जाने वाला हूं नरवाना। नरवाना से ऊपर है ये टिकरी जगह और वहाँ पे लेके जाने वाला हूँ। काफ़ी अच्छी लोकेशन है, काफ़ी अच्छे अच्छे व्यूज़ हैं और यहाँ पे कैंपिंग साइट भी काफ़ी ही ज़्यादा है और बाकी कैफ़े वगैरह भी हैं और अनदर काफ़ी कुछ है यहाँ पे घूमने के लिए। तो अभी आपको दिखा देता हूँ, फिर मैं बता भी दूँगा ब्लॉग के लास्ट में। एंड बाकी चलते हैं हम, और कहाँ कहाँ से जाएंगे वो आपको रास्ता भी मैं बता दूंगा। तो फिर चलते हैं और करते हैं आज हम अपना डे स्पेंड इन टिकरी, नरवाना, धर्मशाला। तो थोड़ा हिडन प्लेस है धर्मशाला का, ये इतने बंदे नहीं जानते हैं इस लोकेशन के बारे में। तो फिर आज आपको दिखाते हैं यहाँ के अमेजिंग व्यू और अमेजिंग लोकेशन। तो फिर मिलते हैं आपसे टिकरी में। तो दोस्तों, अभी हम आ रहे हैं कांगड़ा से, और कांगड़ा से अभी हम जहाँ जिस रोड पे जा रहे हैं वो है त्रिवंजा मिल से योल को जाता है ये वाला रोड, और अभी हम सीधा योल में जाके निकलेंगे। और योल से हार्डली यानी 100 मीटर पालमपुर रोड पे चल के आगे ये आपको टर्न मिलेगा, लेफ़्ट टर्न मिलेगा नरवाना को, नरवाना वैली को। तो बस इस टर्न पे आप सीधे चले जाइए इस रोड पे, आगे आपको अमेजिंग व्यू देखने को मिलेंगे और अमेजिंग लोकेशन देखने को मिलेंगी। और इसी रोड पे जो आपका राइजिंग स्टार हिल टॉप वाला जो ट्रैक है वो भी इसी रोड को जाके, और एक आपका खनियारा से खंजरमा देख के वो वाला रोड भी आता है जहाँ से आप राइजिंग स्टार हिल को भी जा सकते हो। सो फ्रेंड्स, अभी हम पहुंच चुके हैं फाइनली लोकेशन पे, और सामने को जो आप लोकेशन देख रहे हैं तो अभी हम यहाँ पे जाने लगे हैं। और अपने भाई लोग भी आगे आगे निकल गए, अभी बारिशों में थोड़ा रास्ता ख़राब हो गया, बट यहाँ साथ में ही है ऊपर सड़क, तो वहीं पे हमने अपने बाइक्स वगैरह पार्क कर दी हैं और अभी थोड़ा हम पैदल ही चलेंगे आगे को। तो चलते हैं फिर, बाकी बाइक्स वगैरह ईज़िली नीचे गाड़ी वगैरह पहुँच जाती है, बट अभी थोड़ी ऑफ रोडिंग काफ़ी ज़्यादा है तो अभी हम रिस्क नहीं लेंगे, थोड़ा पैदल ही चलेंगे। वो यहाँ पे आप सामने को देख सकते हो, यहाँ पे ये कैंपिंग साइट है यहाँ पे, तो जहाँ पे पीछे एक टर्न है जहाँ से आगे को आता है, एक नीचे को रास्ता जाता है,
ये वहाँ पे कैंपिंग साइट और काफ़ी अमेजिंग लोकेशन में और अमेजिंग व्यू है यहाँ से कैंपिंग के, आप देख सकते हो। सभी हम पहुंच चुके हैं और अपने साथ अपने भाई एम जे मनोज, काफ़ी दिनों बाद आए हैं अपने साथ। ये बिजी रहते हैं भाई आजकल, और पीछे दो भाई अपने हो रहे हैं, वो अभी फ़ोटोशूट में बिजी हैं, विवेक और दिनेश। तो वो दोनों भी आए आज हमारे साथ, बट दोनों भी फ़ोटोशूट में बिजी हैं। बट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोकेशनें हैं इस, यानी नरवाना से ऊपर जब आप आओगे तो, यानी अप्रोक्स कोई 5-6 किलोमीटर है ना, 5-6 किलोमीटर ऊपर आके यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोकेशन है जहाँ पे आप इजीली इंजॉय कर सकते हो, बैठ सकते हो, कैफ़े वगैरह काफ़ी हैं, कैंपिंग साइट भी काफ़ी हैं और पानी वाली भी लोकेशनें काफ़ी अच्छी हैं, मैंने आपको दिखाई, तो आप वहाँ भी इंजॉय कर सकते हो, पानी में भी आजकल गर्मियों में चिल मार सकते हो। और यहाँ पर व्यू वगैरह भी काफ़ी अच्छे हैं, यहाँ पर ये ग्राउंड वगैरह भी हैं जहाँ पर भी आप बैठ सकते हो, इंजॉय कर सकते हो। और भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ यहाँ पे लोकेशन है जो भी मैं कवर कर सकता हूँ, एंड फिर मिलते हैं आपसे। तो अभी आपको थोड़ा लोकेशन दिखा देते हैं यहाँ की। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो ये सामने वाली आपको लोकेशन दिख रही है, तो ये है टिकरी जगह, और इस साइड को ये वाला है टिकरी माता का टेंपल है साथ में ही। और अभी हम यहाँ पे हैं, ये लोकेशन भी काफ़ी ही अच्छी है और यहाँ के अमेजिंग व्यू भी आप देख सकते हो। सभी हम लगे हैं कुकिंग करने, कुछ खाने के लिए बनाने, और लंच टाइम हो गया है। अपने मनोज भाई प्याज काट रहे हैं और हम लोग कर रहे हैं कुकिंग, और लोकेशन काफ़ी अच्छी है। साइड आप देख सकते हो, बिल्कुल पानी के साथों साथ एकदम क्लोज, पूरा चिल मार रहे हैं, फन मार रहे हैं हम लोग। तो अभी हम बना लेते हैं खाना, फिर करते हैं आपसे बात। तो अभी देख सकते हो तो फ्रेंड्स, मैंने आपको नरवाना वैली दिखा दी, यहाँ पे कितने अमेजिंग प्लेस है एंड अमेजिंग व्यू है, आपने मेरे साथ देखे। एंड बाकी मैं आपको बता दूँ तो यार, यहाँ पे पैराग्लाइडिंग वगैरह भी होती है और कैंपिंग वगैरह भी काफ़ी होती है, और काफ़ी अमेजिंग लोकेशन है जहाँ पे आप यानी इंजॉय कर सकते हो, और नेचर को भी यहाँ पर ईजिली इंजॉय कर सकते हो, और अमेजिंग व्यू है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा। तो यहाँ पे जैसे ऊपर जैसे पैराग्लाइडिंग होती है, और उस साइड को वहाँ पे लैंडिंग होती है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे भी पैराग्लाइडिंग वगैरह भी कर सकते हो, हर चीज़ एंजॉय कर सकते हो। तो बिकॉज़ क्योंकि धर्मशाला में काफ़ी ज़्यादा रश होता है, मैकलोड में काफ़ी ज़्यादा रश होता है, तो ये प्लेस काफ़ी साइलेंट है एंड यहाँ पर ईजली
आराम से आप साइलेंट घूम सकते हो, फिर सकते हो, हर चीज़ कर सकते हो, ठीक है। तो बाकी फिर आपसे मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट व्लॉग और नेक्स्ट लोकेशन में, एंड तब तक के लिए गाइस बाय बाय एंड टेक केयर, और फिर आपसे जल्दी मिलते हैं। तब तक के लिए गाइस बाय बाय एंड टेक केयर।